और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जैसलमेर दौरा है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचेंगे और जैसलमेर के तनोट माता मंदिर का वो दर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन से पहले तनोट आ रहे हैं गहलोत और सीएम अशोक गहलोत के आने से वहां पे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग कर तैयारियों को परखा ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग कर तैयारियों का जायजा भी लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जैसलमेर दौरा है और सुबह 11:30 बजे जयपुर से विशेष विमान से वो जैसलमेर के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर में जैसलमेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो जैसलमेर का दौरा है, चूंकि वो यहाँ पे दर्शन पूजन भी करेंगे मंदिर में, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन से पहले यहाँ जा रहे हैं, क्या मायने समझे और किस तरीके से कांग्रेस को नई दिशा देने की कोशिश होगी उनकी? बता दूं कि जब भी अशोक गहलोत कोई नई पारी की शुरुआत करते हैं, कोई नई जिम्मेदारी निभाते हैं, उससे पहले वो जैसलमेर जाते हैं, वहाँ तनोट माता के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में उस कार्य जो कार्यभार होता है उनका, उसको संभालते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है वो दावेदार हैं अशोक गहलोत और उसका नॉमिनेशन भी किया है उन्होंने, अशोक गहलोत ने। और उसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज 7 बजे विधायक दल की बैठक है जयपुर में, सीएम आवास पर ही ये बैठक बुलाई गई है, वो उसमें जो है वो तय किया जाएगा, विधायक दल तय करेगा कि उसमें जो सीएम होगा अगला सीएम, क्योंकि अशोक गहलोत को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी साफ संकेत दिया था। अशोक गहलोत का भी कहना यह था कि एक पद जो है एक व्यक्ति के पास ही रहेगा, जिस कारण से उनको सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आज 7 बजे जो है वो शाम को 7 बजे सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कल जो सचिन पायलट भी दिल्ली में थे, वो सचिन पायलट भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि दो धड़े हैं राजस्थान में, एक अशोक गहलोत और एक सचिन पायलट। जो अशोक गहलोत के धड़े के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत का कोई उत्तरदायित्व तो जो निभाए, वो उत्तराधिकारी जो हो वो अशोक गहलोत ही तय करें। और लेकिन सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि काफी समय से इंतजार जो कर रहे हैं सचिन पायलट, उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी उनको कहा गया था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसीलिए वो सचिन पायलट के जो गुट के विधायक हैं वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को विधायक बनाया जाए। तो आज जो शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर होगी, उसमें तय किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को, क्योंकि अजय माकन वहाँ के प्रभारी हैं और अजय मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो दोनों ही वहाँ दिल्ली पहुंच जयपुर पहुंच रहे हैं। वो जो है विधायक दल की जो बैठक है उनके नेतृत्व में की जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि अगला सीएम जो है वो राजस्थान का कौन होगा। लेकिन आशीष, इसमें सचिन पायलट जो हैं वो एक मजबूत दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं, हालांकि अशोक गहलोत ने दूसरे नाम लिए, वो सचिन के नाम पे सहमत नहीं है, लेकिन अभी अगर देखें राजस्थान की सियासत को तो सचिन पायलट मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट मजबूत इसलिए हैं क्योंकि यदि बात करें, जब दक्षिण भारत से राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है उसको शुरुआत की थी, तो उसमें सचिन पायलट, जब अशोक गहलोत उनके साथ में गए थे यात्रा में, उससे पहले एक दिन पहले सचिन पायलट भी उनसे मिले थे। और सचिन पायलट ही ऐसे हैं जो अभी तक रुके हुए हैं, कांग्रेस आला कमान ने उनको रोका हुआ है, बाद बाकी उनके साथ के जितने भी नेता हैं वो सब ज्यादातर कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बताया गया है, धैर्य रखने के लिए कहा गया था कि आगामी जो जो मुख्यमंत्री होंगे वो सचिन पायलट ही होंगे, क्योंकि सचिन पायलट का एक गुजर समाज से आते हैं, सचिन पायलट का एक बड़ा जो है वोट बैंक है और सचिन पायलट गुट के विधायक चाहते भी हैं कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री हों। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब लगभग तय माना जा रहा है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बन ही जाएंगे, उसके बाद में ये भी हो सकता है कि आज जो विधायक दल की बैठक है, बैठक में केवल नाम प्रस्तावित किए जाएं, आला कमान को भेजे जाएं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो अंतिम निर्णय लेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे ही राहुल, ये अशोक गहलोत, हाँ। तो इसीलिए अशोक गहलोत ही फाइनल निर्णय करेंगे कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया
आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान की सियासत में कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद आज शाम 7 बजे एक अहम बैठक होने वाली है विधायकों की, और उसमें अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पे तस्वीर जो है वो लगभग साफ होने की पूरी संभावना है। तो राजस्थान में नए सीएम के चयन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। सीएम आवास पे कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक होगी और राजस्थान प्रभारी अजय माकन बैठक में शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल होंगे और यहां पे तय किया जाएगा कि अब अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो अब अध्यक्ष बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर है पार्टी में एक नियम है कि एक पद एक व्यक्ति एक पद, तो जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ेंगे तो कोई नया मुख्यमंत्री होगा। अभी दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, सियासी तौर पे भी नाम कई तरह के, सचिन पायलट का नाम उसमें सबसे ऊपर है, लेकिन सियासत में जब तक तस्वीर साफ न हो जाए उससे पहले हर तरह के कयास जो हैं वो कई बार बेईमानी साबित होते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला जो है वह विधायक दल की बैठक में होगा और उसमें किसके नाम पे मोहर लगेगी ये देखना बाकी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। 6 बजे सोनिया गांधी से दोनों नेता मुलाकात करेंगे। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में सोनिया गांधी से दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। तो 6 बजे सोनिया गांधी से दोनों नेता दिल्ली में मुलाकात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात की और बिहार की सियासत में जब उलटफेर हुआ तो उसके बाद से नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं विपक्ष को एकजुट करने में, आने वाले 2024 चुनाव को लेकर भी। ऐसे में आज की यह मुलाकात भी बेहद अहम है। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज शाम 6 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और दिल्ली में एक बार फिर पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि कुछ चंद पुलिस अधिकारियों की करतूत से दिल्ली पुलिस के बड़े ईमानदार अधिकारियों का सिर शर्म से झुक गया है। दरअसल कोरोना के बाद पूरे नियम कानून का पालन करते हुए सुरेंद्र चौधरी और साहिल चौधरी ने अपनी जीविका चलाने के लिए दिल्ली के साउथ एक्सपर्ट 1F39 में मौजूद द कोड रेस्टोरेंट बार खोला और इस रेस्टोरेंट बार को खोलने के बाद कोटला मुबारकपुर थाने से पुलिस अधिकारियों ने उगाही की मंशा से मालिकों से 5 लाख रुपए महीना देने की बात कही। घटना के संबंध में संक्षिप्त तथ्य पुलिस ने सामने रखे हैं और तथ्यों में बताया गया कि द कोड क्लब में महिला के साथ दुर्व्यवहार और महिला के कपड़े फाड़ने की घटना के संबंध में PSKMpur में GD नंबर 7 के माध्यम से एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी और क्लब के बाउंसर द्वारा उक्त कॉल SI दीपक यादव को सौंपी गई। मौके पर जाने पर PCR कॉलर के कपड़े खराब और अस्त व्यस्त थे और पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके कपड़े 2 बाउंसर और क्लब के उनके मैनेजर ने फाड़े थे। उसने आगे बताया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। मामले में शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई जिसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए क्लब आई थी जहां प्रवेश को लेकर उनके बीच बहस हुई और बाउंसर आक्रामक हो गए और उसे और उनके दोस्तों को पीटा गया। साउथ एक्स पार्टमन में F39 में मेरा जो थाना पड़ता है वो कोटला मुबारक पड़ता है, वहाँ विनय त्यागी SHO हैं जो हमें 1 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे बार बार मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि आप अगर आपको क्लब चलाना है तो आपको 5 लाख रुपये महीना देने पड़ेंगे। मैंने उन्हें कहा सर मैं इतना नहीं दे सकता, मैं तो पहले ही 3 साल से क्लब बंद रहा, मैं उससे प्रताड़ित हूँ, मैं तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने आके वहाँ लड़कियाँ इतना शराब पिए हुए थे और लड़के, उन्होंने आके मेरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे बदतमीजी चालू की। वो मेरी लेडीज सिक्योरिटी ऑफिसर भी थी, मेरा स्टाफ भी था, उनके साथ उन्होंने गाली वाली दी, मेरे कुछ पैसे उसमें थे वो भी छीन लिए लड़कियों ने और मार धोड़ की। शाम को फिर आए दीपक यादव, उसने आके रात को 9-10 बजे आए और जो लड़के हमारे सिक्योरिटी होते दोनों को उठा के ले गए। उठा के ले जाने के बाद उनको रात को बहुत पीटा उन्होंने रेस्टोरेंट। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है
उसमें जो रिकॉर्डिंग्स है जो अभी बताया जा रहा है, जो हम देख भी रहे हैं, उसमें एक पूरा ट्रैप किया गया है। चार लड़कियां हैं, तीन लड़के हैं, वो आते हैं क्लब में 1 बजे, जब क्लब का टाइम हो जाता है, जब गेस्ट बाहर जा रहे थे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि क्लब क्लोज हो चुका है। तो उन्होंने जो है सो कि इनसे पहले बोला, इनके क्लब में मारपीट की, तोड़ पी, और ये सारा सीसीटीवी फुटेज में है कि अभी हम लोग इस पर कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। अभी हमने पुलिस कंप्लेन इसमें फाइल किया है सब जगह पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कंसर्न सीनियर ऑफिसर है, डीसीपी है। और दिल्ली के बिंदापुर इलाके में 2 कॉलोनी वासियों के बीच एक दीवार बनाने को लेकर बहस हुई, उसके बाद विरोध जताया गया। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस बीच द्वारका जिले की पुलिस ने बेहद बेरहमी से कॉलोनी वासियों पर लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल भी हुए। मौके पे एसीपी डाबड़ी भी मौजूद रहे, लेकिन किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का काम नहीं किया। और मुंबई के रायगढ़ जिले के दापोली तहसील के मुरुड बीच पर एक बार फिर से एक संदिग्ध लाइफ बोट मिली है, और जिसके बाद सुरक्षा यंत्रणा फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। बताया ये जा रहा है कि ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, सुरक्षा बलों ने नाव को कब्जे में ले लिया है, और नाव के निरीक्षण के बाद ये साफ किया गया था कि ये डूबे हुए पार्थ जहाज की नाव है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मौजूदा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 28 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे, और इसी दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 28 सितंबर को ही शाम 5 बजे वैध पाए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। लालू यादव के फिर से आरजेडी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने की पूरी संभावना है। भागलपुर नगर निगम चुनाव नामांकन प्रक्रिया आज संपन्न हो गई है। वहीं भागलपुर नगर निगम के महापौर पद पे कुल 9 उम्मीदवार और उप महापौर पद पे 10 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि 216 पदों पे वार्ड पार्षद ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एडीएम शिव कुमार शेव ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया का आज समापन हो गया। वहीं समापन के साथ ही 2 दिनों तक सभी पदों की छटनी प्रक्रिया भी होगी। नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें उप महापौर पद के लिए डॉक्टर ओमनाथ भारती, महापौर पद के लिए अमृता राव समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान डॉक्टर ओमनाथ भारती ने कहा कि भागलपुर शहर के विकास शुरू से ही विकास जो है वो चरमराया हुआ है। और डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब भेजा है। यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पे सवाल मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को ये करारा जवाब दिया है। चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, सरकार की तरफ से कहा गया कि अधिकारी की कार्यशैली और कार्य क्षमता भी आधार है, और मुकुल गोयल पे डीजीपी रहते अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के आरोप थे। 2006-07 में भर्ती घोटाले के भी आरोपी थे, और मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एडीजी एलओ थे मुकुल गोयल, उन्हें हटाया गया था। और लखनऊ से मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, मुकुल गोयल की चयन प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर विवाद जो है वो उत्पन्न होने लगा है, और सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी दिया गया। अभी हमारे साथ मनीष नहीं है, हम फिर रुक करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और वो हमें विस्तार से बता पाएं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे ये विवाद जो है अब किस ओर आगे बढ़ रहा है। डीजीपी मामले पर चुपी यूपी सरकार जो है उसने यूपीएससी को जवाब दिया है, और यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। इसको हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे।
तो चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, सरकार की तरफ से कहा गया, और अधिकारी की कार्यशैली और कार्य क्षमता भी आधार है। तो मुकुल गोयल पे डीजीपी रहते अक्रम्यता और भ्रष्टाचार के आरोप थे, 2006-07 में भर्ती घोटाले के भी आरोपी थे मुकुल गोयल, और मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एडीजी एलओ थे, उन्हें उस वक्त हटाया गया। तो डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को जवाब दिया है, और यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पे सवाल के बाद यह जवाब दिया गया, और मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को जवाब दिया कि चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं, अधिकारी की कार्यशैली और कार्यक्षमता भी आधार, ही सरकार की तरफ से कहा गया। मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मुकुल गोयल को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ दलील दी जा रही है, क्योंकि यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, ठीक है। यूपीएससी को पत्र लिख के उनको जवाब दिया गया है कि काफी नहीं होती किसी अधिकारी के इतने बड़े पद पे आने के लिए। फिर से आपको आवाज मिली मेरी? जी मनीष, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ पा रही, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, अभी आप थोड़ा आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो मुकुल गोयल पे डीजीपी रहते हुए कई तरह की अनियमितताओं के भी उन पे आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, 2006-07 में भर्ती घोटाले के भी मुकुल गोयल आरोपी थे, और मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एडीजी एलओ थे, उन्हें हटाया गया था। अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण उनको हटाया गया था। तो डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को जवाब दिया है, क्योंकि डीजीपी चयन प्रक्रिया पे सवाल उठे, और मामले पर यूपी सरकार ने जवाब दिया और यह कहा कि चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, यह सरकार की तरफ से कहा गया, और अधिकारी की कार्यशैली और कार्यक्षमता भी आधार होती है। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, सरकार की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई है डीजीपी मामले को लेकर? देखिए, यूपी सरकार ने यूपीएससी को जवाब दिया है, और बिल्कुल करारा जवाब जिसको आप कह सकते हैं वो दिया गया है कि जिस तरीके से पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था, उनकी कार्यशैली को देखते हुए तो आपको डीजीपी के लिए खाली उनकी सीनियरिटी ही काफी नहीं होती है। आपको बता दें कि जब वो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब भी एडीजी एलओ थे, और तब उस समय मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसके बाद आपको बता दूं सहारनपुर में जो वो मनीष, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं है, मैं आपको रोकूंगा, फिर से आपका रुख करेंगे और विस्तार से समझेंगे, अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर चुकी है, और इन 6 महीनों में योगी सरकार ने अपने पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों को न केवल पूरा किया बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। फिर वो युवाओं के रोजगार की बात हो, अपराध पर लगाम लगाने की बात हो, विकास की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, एक रिपोर्ट देखिए, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि इन 6 महीनों में क्या कुछ उपलब्धियां रही। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी, बेरोजगारी से लड़ने में अव्वल यूपी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला राज्य यानी यूपी, और यूपी की इन उपलब्धियों के पीछे नाम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव में योगी सरकार पर फिर एक बार भरोसा जताया, तो योगी भी उस भरोसे पर खरे उतरे। अपने 6 महीनों के कार्यकाल में ही उन्होंने देश को कई बार यूपी की बदली हुई तस्वीर से रूबरू कराया।
चुनाव के दौरान जो कहा उसे करके दिखाया। 6 महीनों के कार्यकाल में योगी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए अपने एक एक वादे पर पूरा फोकस रखा। फिर वो प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, योगी सरकार हर मुद्दे पर जनता के प्रति समर्पित दिखी, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद योगी खुद समय समय पर इन विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते पाए गए। अपने 6 महीने के कार्यकाल में योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश के विकास को गति दी। पिछड़ेपन की मार झेल रहे बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम पर तेजी से काम शुरू हुआ। गोरखपुर रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू हुआ। 6.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक बीमा प्राप्त हुआ। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की नई पहचान बनी। अब तक 36 माफियाओं को सजा मिली। 62 माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफियाओं के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे दर्ज हुए। अपराधियों की 2200 करोड़ की अधिक से अवैध संपत्ति जब्त की गई। 310 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया। 93,000 युवाओं को रोजगार मिला। हालांकि ये तो योगी सरकार के संकल्प पूर्ति की महज शुरुआत थी। योगी सरकार 2.0 में शिक्षा को सरकार का सहयोग मिला तो प्रदेश के भविष्य को भी नए पंख लग गए, महिला शक्ति को भी बल मिला। योगी सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए गए। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई। 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध किए गए। 26 नए राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए। खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद को खेलो इंडिया सेंटर की सौगात मिली। कन्या सुमंगला के तहत 13.67 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई। सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,91,686 बेटियों का विवाह हुआ। बैंकिंग सखी की तैनाती के लिए महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। बिजली सखियों के रूप में महिलाओं ने 173.5 करोड़ से अधिक के बिजली बिल संग्रहित किए। हर थाने में विशेष महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। प्रदेश भर में 10,417 महिला थानों का गठन किया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार अपने इन 6 महीनों के कार्यकाल में किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटाने में कामयाब रही। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया और किसानों के कर्ज भी माफ हुए। यानी 6 महीनों में ही योगी सरकार ने चौमुखी विकास की एक नई तस्वीर देश के सामने पेश कर दी, जो अब भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।